व्हाट इज अप माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में रहे होंगे। आज हमारा फोर्थ एपिसोड है, ये फोर्थ डे है और इस टाइम पीपल को भी उम्मीद है आपको कल वाले और बाकी के तीन सारे एपिसोड अच्छे लगे होंगे। तो अभी हमारा सामान वन मंदरा बाइक पे, उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश में स्टे लेंगे, थोड़ा सा फन ऋषिकेश में करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे दिल्ली जाएंगे। तो अभी दो एपिसोड और हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्जॉय करें इसे भी। तो भाई बिल्कुल पबजी वाला माहौल हो रहा है यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल पबजी वाला सीन, पीछे पहाड़, एक नंबर बादल। और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, कितने किलोमीटर पे ये बता दे फर्स्ट? ये हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे ही ले लिया हमने, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपना पीपल कोटी से ऋषिकेश। पहला स्टॉप यहाँ पे है और जहाँ पे दुकान वाला हमें कोई दिख नहीं रहा और हम सब उतर गए हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे। रेड मिली है और हमें लूटेंगे, उठाए तो भाई यहाँ पे से हमने मैगी ली है अभी भैया से, और यहाँ पे हम खा रहे हैं। भाई ने पूरी कढ़ाई भर के मैगी दी हमको, चलो एंजॉय करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पत्थर लगा रखे थे इन्होंने रोड पे, था कि आगे कोई ना बढ़े, हमने पत्थर हटा के अपनी बाइक निकाल ली, वहाँ पे भी लगे थे यहाँ पे भी लगे थे, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, तो फिर रोड ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस करण प्रयाग आ चुके हैं और यहाँ पे करण प्रयाग का संगम जो ये है। तो गाइस यहाँ पे हम अपना लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमने मैगी करी थी और अब हम कर रहे हैं लंच रावत रेस्टोरेंट एंड स्वीट। गाइस हम आ गए हैं करण प्रयाग में और करण प्रयाग में हमने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया अपने, एकदम बढ़िया से मज़ा आ गया। और हम यहाँ करण शिला देखने जा रहे हैं, और कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, मतलब मेरे ग्रुप से कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ। मैं सोचा एक बार देख लेता और थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। मैंने शायद ऐसा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो करण था उसने अपने कवच कुंडल यहीं पे दान करे थे, तो ऐसा कुछ है मैंने सुना है, पता नहीं है, पक्की बात है नहीं है। ये संगम हो रहा है, वहाँ से एक नदी आ रही है, वहाँ से एक नदी आ रही है, और ये बिल्कुल एकदम बड़ी श्री कृष्ण करण मंदिर। और ये हो रहा है भाई संगम, देखो। तो गाइस ये भैया ने बताया हमको, ये अलकनंदा है और ये पिंडर है नदी, इन दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। सांस फूल गया यार, भाग भाग के चढ़ो। तो अभी हम पे टाइम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ रुकने का, तो हम यहाँ से दिल्ली निकल रहे हैं सीधा। तो आपको ऊपर भी दिखा देते हैं, ये करणशिला है, कुछ ऐसी ऐसी मूर्ति है ये, देखो इसने इसमें कवच कुंडल पहन रखे अपने, और यही करणशिला है। और चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो मेरे दोस्त मेरे को छोड़ देंगे। भाई आ गया बिफोर टाइम, मैंने भाई को बोला था तेरी ये चॉकलेट खत्म होएगी इससे पहले आ जा। ये देखो एक और लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे, रोड बिल्कुल एकदम खराब हो गया, मतलब एक साइड की ही गाड़ी निकल सकती है, इतना पतला हो चुका रोड। ये देखो भाई साहब कितनी गंदी लैंडस्लाइड हो रखी, कितनी गंदी भाई, खतरनाक भाई खतरनाक, अभी भी पत्थर गिर रहे हैं भाई कंटिन्यूसली। रुद्रप्रयाग हम पहुंच चुके हैं और ये रुद्रप्रयाग का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, लाइव एकदम, कैसे होती है देख लो भाई, ऐसे गिरते हैं भाई रोड पे पत्थर। ओ भाई साहब, भाई पूरा रोड कवर कर देंगे ये पत्थर गिर गिर के। अब पेड़ भी गिर गया भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओह पेड़ वेड़ सब गिर गए भाई। ठीक है आगे नहीं जा रहा। कल रात को भाई ये देखो कितना टेम्परेचर दिखा रहा था, -22 दिखा रहा था भाई कल रात को। हम बद्रीनाथ से 26-27 किलोमीटर पहले थे, आप पता नहीं कितना, वहाँ से बहुत पास था बद्रीनाथ। तो भाई कैसे बनते हैं रोड आपको भी समझ आ गया अब। चलो चलो चलो,
भाई लैंडस्लाइड नहीं, ये तो कार्रवाई हो रही थी भाई, पहाड़ पे रोड बन रहा था भाई ऊपर जाने का। भाई यहाँ पे खिंचवाई है अभी बहुत सारी फोटोज, उनमें से कोई एक जो अच्छी लगेगी वो डलेगी इंस्टाग्राम पे। और मेरा इंस्टाग्राम नेम है, यूज़र नेम है दर्श शर्मा ऑफिशियल, एक बार फॉलो कर लो भाई अगर फोटोज देखनी है प्यारी प्यारी। तो सारा जानवर बाइक चलाने का यही फायदा है भाई, जाम में नहीं फंसते, जितना भी हो जाए जाम में नहीं फंसेंगे भाई। और कितना लंबा जाना, कितना ही लंबा जाना भाई, सब जहाँ तक नजर जाइए वहाँ तक जाम है। वो देखो उस वाले सामने रोड तक जाम है, कैमरा इतना नहीं कैच कर रहा होगा पर अपन कर रहे हैं, जाम देखो एक नंबर भाई। इसका बेनिफिट यही है भाई, आज भी ये जाम नहीं था यहाँ पे, ये सारे लैंडस्लाइड की वजह से जाम है। इस मौसम की पहली मतलब लैंडस्लाइड है, इस मौसम में होती नहीं, बारिश के मौसम में ज़्यादातर होती है। और लैंडस्लाइड में ये जो रोड इन्होंने बस एक जेसीबी से रोड बना दिया, बाकी साइड कर दिया, आधे पत्थर इधर आधे इधर, मतलब इधर से इधर कर दिए और फिर बीच में से, ताकि एक लेन तो निकल ही जाए। देख रहे हो कितनी सेक्सी लैंडस्लाइड है भाई, देख के मज़ा आ गया। ये जेसीबी से काम चल रहा है, ये देखो जाम कितना लंबा जाम है, कितना ही लंबा जाम है ये देखो, सारे खड़े हैं जाम में और हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। कैमरे निकल रहे, DSLR निकल, जाम तो शायद ख़त्म हो चुका है, नहीं हुआ है अभी, काफ़ी लंबा है। ओ भाई साहब, वो उस वाले रोड तक लाइन लगी हुई है, उस वाले रोड तक थर्ड स्टॉप है पीपल कोटी से देवप्रयाग के बीच में, सॉरी ऋषिकेश के बीच में, देवप्रयाग यहाँ से 10 किलोमीटर, बल्कि ये स्टॉप नहीं है, सुसु ब्रेक है। गंगा नदी के बनने में एक और नदी मिक्स हो जाती है इस जगह पे। अभी तक हम उस वाली नदी के साथ साथ आ रहे थे, अब यहाँ पे ये वाली नदी भी मिल जाएंगी, मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग बन जाता है। तो भाई अभी तक जब मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, मतलब अपनी वीडियो में जब हम जा रहे थे थुंगनाथ, तब मैंने आपको दिखाया था, अंधेरे में दिखाया था देवप्रयाग, अब आपको बिल्कुल एकदम उजाले में दिखाते हैं। अभी सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और ये देखो भाई फैबुलस है ना भाई। इन नदी को उसको क्या कहते हैं, बहू, और इसको सांस भी कहते हैं, सांस बहू कहते हैं, क्योंकि वो वाली देखो जो बिल्कुल शांत है, और ये बहुत अग्रेसिव है, जैसे सांस होती है बहुत अग्रेसिव होती है और बहू बिल्कुल शांत होती है, तो ये इसको इसलिए सांस और बहू का संगम भी कहते हैं यहीं गांव वाँव के लोग। जब मैं बहुत पहले आया था तब उन्होंने मेरे को बताया था कि सांस बहू का संगम बोलते हैं इसको। और यहाँ से गंगा बन रही है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी भाई, क्योंकि एक ही वीडियो में आपने आपको कितने सारे संगम दिखा दिए, हमने कर्णप्रयाग दिखा दिया, रुद्रप्रयाग दिखा दिया, अब देवप्रयाग दिखा दिया, मज़ा ही आ गया ना। तो भाई वीडियो लाइक कर देना, इतने ऊपर चढ़ के आया मैं, बता 15-20 सीढ़ी भाग के चढ़ी मैंने, आपको ऑसम व्यू है ना, ऑसम एक नंबर। तो यहाँ से गंगा शुरू हो रही है भाई, बिल्कुल यहाँ से इस जगह से गंगा नदी शुरू हो रही है, यहाँ नीचे जाके पूजा भी करते हैं यहाँ पे जाके, और एक उस जगह पे जाके पूजा करते हैं। आपको दोनों नदियों में कलर में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, कि जो बहू है उसका कलर अलग है, जो सांस है उसका अलग है, और यहाँ पे गंगा जी बन के तैयार हमारी, और वहाँ जाके भाई पूजा करते हैं संगम पे, बिल्कुल बहुत लोग करते हैं यहाँ पे आके पूजा की, गंगा जी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो गंगा जी की सबसे पहले पूजा यहीं पे हो पाती है भाई। ऐसे व्यू की एक स्टोरी बनानी इंस्टाग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बनाते हैं चलो। ये हमारे बाइक में पेट्रोल डल रहा है, चौथी बार डल रहा है ना भैया ये दीपक भैया, चौथी बार डल रहा है भाई पेट्रोल, और देखते हैं इस बार टंकी कितने में फुल होती है। 736-8 लीटर पेट्रोल, तो गाइस देखो तपोवन पहुंचे हैं अभी हम, ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, मस्त लग रहा है। तो भाई अपन ने ले लिया यार ऋषिकेश में अब स्टे, और अब कल निकलेंगे दिल्ली। और रोहित भाई कुछ कहना चाहोगे, क्या हाल है पे? नहीं कुछ नहीं, तू झूठा बोल यार। सोफे पे बैठती है दुनिया, हम रखते हैं अपने हेलमेटों को सोफे पे, है भाई। ओके रिपोर्टर भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एकदम गिम्बल से,
और इसकी तो स्टेबिलिटी कितनी तगड़ी आ रही है। वो भाई ये तो बहुत सही चीज है। तो भाई ये देखो गिम्बल से कैसी शूट हो रही है वीडियो, एकदम मैं कूद के देखता हूँ। सही में यार एकदम स्टेबल है चीज। फेस बहुत ज्यादा बुरा आ रहा है मेरा, भाई गिम्बल अच्छा है यार, ये एकदम स्टेबल है, पर अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूम रहा है यार ये नहीं। हाँ तो भाई चीज ओके है ये। इसकी कॉस्ट है 6,000 रुपीज। और कंपनी कौन सी है दीपक भाई? तो दीपक भाई बता रहे हैं इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो DJI 10,000 रुपए वाले में भी नहीं है, 6,000 रुपए में। और ये इंडियन ब्रांड है चाइना का है? चाइनीज ब्रांड है, बस एक ये दिक्कत है, बाकी चीज अच्छी है, मैंने यूज करके देख ली भाई। और गिम्बल चलाना, जब से ट्रिप पे आया हूं मैं बार बार ट्राई कर रहा था गिम्बल चलाना, और अभी भी मेरे को 1-2% ही चलाना आया है, और काफी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है बहुत यार। और मैं कूद भी रहा हूं, मैं भाग भी रहा हूं, तब भी वीडियो एकदम स्टेबल है। जो मैं मेरी मोमेंट है सिर्फ वही आ रही है। इसके फीचर्स की एक स्पेशल वीडियो बना देंगे दीपक भाई के बिहाफ पे, इसकी रिव्यू वीडियो कर देंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और कल मैं जाऊंगा नीलकंठ महादेव सुबह सुबह आरती देखने, और मेरे दोस्तों में से कोई भी भाई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो कल मिलते हैं उस वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट। और वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट्स अच्छे लगे हो, आज वाली वीडियो में हमने आपको कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग सारे संगम दिखाए हैं, लाइन से जितने भी आ रहे हैं, पूरी गंगा रिवर बनते हुए दिखाई है, अलकनंदा मंदाकिनी और एक दो पिंडर विंडर सारी नदियां दिखाई है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी ही भाई, अगर आप शौकीन हो इन सब चीजों को देखने के तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ये चीज देखें तो वीडियो को शेयर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल बाय बाय, टेक केयर।